नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, आज जो है सूरज कुंड मेले का दूसरा दिन है और शनिवार है, जहां पर आज भारी संख्या में देखिए लोग पहुंचे हैं। हालांकि स्टार्टिंग के डेज में लोग ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन वीकेंड होने के कारण भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितना सुंदर जो है सूरज कुंड मेला यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। भारी संख्या में लोग पहुंचे और आनंद ले रहे हैं, मेले का जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं, बड़ी चौपाल और छोटी चौपाल दोनों पर ही बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में अभी बड़ी चौपाल पर पंजाब से बहुत बड़े सिंगर आए हैं, जो कि एज अ पुलिस भी काम करते हैं, एक प्रशासन के रूप में भी काम करते हैं। चाहे डीसीपी की बात की जाए या इंचार्ज या फिर कॉन्स्टेबल, पूरी पुलिस की टीम आई है जो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे रही है, गीत गा रहे हैं, साथ ही नृत्य कर लोगों को खुश कर रहे हैं, उनको आनंद दिला रहे हैं। साथ ही आपको दिखा दूं, यहाँ पर बंजार और ये जो बांसुरी वगैरह जो बजाई जाती है, जो बहुत ही अच्छे कलाकार है, जो की आजकल लोग जो है इन चीजों में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल यहाँ पर ये बुलाया जाता है और बड़ा ही सुंदर जो नजारा नजर आता है। देखिए, बड़ा ही सुंदर नजारा है, लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। साथ ही चौपालों पर भी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कल यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद जो है मेले का एक अलग ही जो है नजारा नजर आ रहा है। लोग जमकर आनंद उठा रहे हैं, साथ ही खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हो ये जो मेला है पूरा भरा भरा आपको नजर आ रहा होगा। और अब शाम होने ही वाली है, शाम को जो है लाइटिंग से ही और भी ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड कोर्ट जो है, आइसक्रीम वगैरह, यहाँ पर हरियाणा की मशहूर लस्सी हिसार वाले, देखिए बहुत ही बेहतरीन चीजें यहाँ पर लगाई गई है। अपनी जो संस्कृति, अपना जो कल्चर है हरियाणा का, पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही इस बार की थीम जो है गुजरात है और बहुत सारे यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि लोग जो हैं बढ़िया बढ़िया सेल्फी ले सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं जूट के बैग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, काफी सुंदर सुंदर, और लोग जो है काफी चटकारे लेकर जो है अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर खा रहे, देख रहे होंगे आप, भेलपुरी यहाँ पर खाते हुए आनंद लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर मेला जो है काफी सुंदर नजर आ रहा है और शाम होने ही वाली है, और लाइटिंग से ये मेला जो है और ज्यादा चमकदार और बहुत ज्यादा बेहतरीन नजर आने वाला है। कर्मराज कर्मा, मैं पंजाब पुलिस का अभी इंचार्ज काम कर रहा हूँ। पंजाब पुलिस का हमारा कॉन्स्टेबल कृपया जी, ये काफी सालों से हम सूरज कुंड मेले में आ रहे हैं, उस साल भी 37 में जो मेला कर रहे हैं इसमें आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हर साल अच्छा लगता है, हर साल नई चीज देखने को मिलती है, नया थीम होता है, नए लोग होते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं। टूरिज्म का बहुत ही अच्छा प्रला है हरियाणा टूरिज्म का, कि जो नया से नया कुछ हम बनाते रहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। आज कौन सा गीत गा रहे हैं? आज गीत मतलब काफी करेंगे, पंजाबी फोक कुछ करेंगे, जैसे मिर्जा होगा, जिंदुआ होगा, झूम डांस होगा हमारा, और पंजाबी बोलियां जो वो कुछ करेंगे, और उसके साथ जो पंजाब के जैसे बोल है अपने पंजाबी बॉलीवुड स्टाइल, वो भी पेश करेंगे। उसकी कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले के अखन
नाल गले कर गई पल्ला मार के बुझा गई दीवा अख नाल गले कर गई पल्ला मार के बुझा गई दीवा अख नाल गले कर गई। नाम हरविंदर पंजाब से। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और सूरज कुंड का 37वां इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला चल रहा है, तो अब हम देखेंगे स्टेज पर क्या हो रहा है। पहली बार आए हो? पहले भी आए? जी पहले भी काफी बार आ चुके हैं। इस बार का मेला कैसा लग रहा है? इस बार कुछ ज्यादा माहौल अच्छा है, तो बहुत बढ़िया माहौल देखने को मिल रहा है और हम भी अब स्टेज पर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से हम ऑडियंस को खूब इंजॉय करवाएं, तो अपना हम बेस्ट दें। हम गाने वाले हैं पानी पड़े नियो मेरी नी तक अल्लाह जाने प्यार न जाने मुंडा टोल जवानी हमारे। Thank you.